अस्सलाम वालेकुम, यह है दुनिया न्यूज और मैं हूं तारिक मतीन। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस। फूल नगर में स्पीकर पंजाब असेंबली के हलके में तालिबान के वाहिद स्कूल गंदगी के ढेर। स्कूल्स की हालत इजार के हवाले से दुनिया न्यूज का आईना दिखाना वजीर तालीम पंजाब को नागवार गुजरा। अहम मामले में भी सियासत को घसीट लाए, जिम्मेदारी मुखालिफीन पर डाल दी। हुकूमत पंजाब की जानिब से तालीम आम करने के दावे किस कदर सच्चे हैं, इसका अंदाज़ा स्पीकर पंजाब असेंबली राणा इकबाल के हलका फूल नगर में लड़कियों के वाहिद सरकारी स्कूल को देखकर होता है, जहां तालिबात और असातज़ा मौजूद तो हैं लेकिन तालीम हासिल करने के लिए लाजिम चीज़ें ढूंढे नहीं मिलती। ये गंदगी के ढेर किसी फिल्थ डिपो का मंजर नहीं बल्कि तालीमी इदारा है। स्कूल में सैकड़ों तालिबात जेरे तालीम, लेकिन यहाँ क्लासरूम्स में कोई दरवाजा सिरे से मौजूद ही नहीं। छतें भी मखदूश, खेलने के मैदान में पड़ा कूड़ा किसी पहाड़ी सिलसिले का मंजर पेश करता है, जिसके दरमियान में गंदे पानी ने जमा होकर एक झील की सी सूरत इख्तियार कर ली है। और तो और, इस तालीमी इदारे में पीने को पानी तक दस्तयाब नहीं। पानी का बड़ा मसला है, पीने का भी बड़ा मसला है, बड़ा गंदा पानी है। जगह नहीं है लड़कियों के बैठने के लिए और टीचर्स भी बहुत कम है। स्कूल में स्टाफ की भी शदीद कमी है, सिर्फ चंद असातिज़ा अपने तई फरोख़े तालीम के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। चार चार पाँच पाँच बच्चे जब तीन वाले डेस्क पे बैठते हैं तो ये अभी पिछले साल की बात है, एक बच्ची का गिर के बाजू टूट गया। दो तीन बच्चों को इस तरह जो है वो चोट लग चुकी है। जो कमरे हैं उनके फर्श इस तरह है कि बच्चे बैठते हैं तो सारे नीचे को गिरते हैं। नौ सेक्शन में, हर सेक्शन में कम से कम 89-90 के करीब स्ट्रेंथ है और रूम जो है वो सिर्फ 70 के बैठने के है। स्कूल की हालत इजार और गंदगी के बाइस तालिबात मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रही है। अब देखें पंजाब हुकूमत की नजर करम कब इस तालीमी इदारे पर पड़ती है। फूल से बच्चों के लिए फूल नगर में स्कूल का हाल आपने देखा। दुनिया न्यूज़ की जानिब से जब पत्तों की और फूल नगर के स्कूल्स की हालत इजार सामने लाए जाने पर वजीर तालीम पंजाब ने जिम्मेदारी सियासी मुखालिफीन पर डाल दी। इन स्कूल्स को नॉन ऑपरेशनल भी उन्होंने करार दे दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में ऐसे 1300 स्कूल्स हैं जो काम ही नहीं कर रहे। दुनिया न्यूज़ ने अपने बुलेटिन में फूलनगर और पत्तोकी के दो स्कूल्स की हालत ज़ार दिखाई, जहां बासर अफराद ने कब्जा जमा कर माल मवेशी बांध रखे, जबकि तलबा और असातज़ा किसी भी सहूलत के बगैर खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। लेकिन जब इस बारे में सूबाई वजीर तालीम से राबता किया गया तो हैरान कन तौर पर उनका ये कहना था कि सूबाई हुकूमत इस बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये साबिक दौर में बने थे। और ये वो स्कूल हैं जो पिछले अदवार में जो है सियासी बुनियादों पे जो है इसको जो MP MNS थे उनको एक स्कीम चली थी जिसमें उनको कहा गया था कि अपने अपने एरियाज में स्कूल बनाएं। फुटेज में इन स्कूल्स में तलबा और तालिबात और असातज़ा साफ दिखाई देते हैं, ताहम शायद वो सूबाई वजीरे तालीम को नजर ना आए और उन्होंने इन स्कूल्स की जिम्मेदारी से पहलू तही की कोशिश की। कोशिश में वो ये भूल गए कि नई हुकूमत को आए 3 साल हो चुके हैं। उन स्कूलों में बच्चे नहीं आए क्योंकि उन्होंने वो उस तरह फिजिबिलिटी, जिस तरह अब हम बना के जब भी नया स्कूल बनाना हो तो जिस तरह हम उसकी फिजिबिलिटीज बनाते हैं और उसके मुताबिक नया स्कूल बनता है। अगर कोई हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी चाहते हैं कि उनके इलाके में स्कूल बने तो उसकी बाकायदा एक क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक स्कूल बनाया जाता है। वजीर साहब ने शायद ये गौर नहीं किया कि इमारात जिस दौर में भी बनी हो मगर उन पर सरकारी वसाइल खर्च हुए हैं। सूबाई वजीर तालीम मुश्तबा शुजाउर रहमान अपनी ही बात पर जमे ना रहे और कहा कि हुकूमत गौर कर रही है कि इन स्कूल्स को दोबारा बहाल किया जा सके। गौरतलब बात यह है कि एक जानिब अगर सूबाई वजीर तालीम इन स्कूल्स को नॉन फंक्शनल करार देकर इनकी जिम्मेदारी लेने से इनकारी हैं तो इन स्कूल्स को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चलाने से ऐसा क्या होगा कि ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो इंतजामिया की गफलत के बायस स्कूल्स का हाल आपने देखा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।